गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। टुडेस पीरियड इज मैथ्स। लास्ट पीरियड में हमने देखा था पेज नंबर 59, लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 शेप्स एंड पैटर्न्स, शेप्स एंड पैटर्न्स पेज नंबर 60। आज हम लोग देखेंगे पैटर्न्स पेज नंबर 60। आज हम लोग ये देखेंगे। द फर्स्ट थ्री एरोज फ्रॉम पैटर्न्स दिया, ड्रॉ फोर एरोज, सर्कल द एरो विच लुक द सेम। देखो पैटर्न्स क्या होता है, अभी हम लोगों ने अभी तक शेप्स लिए थे, अभी है पैटर्न्स। आपकी बुक में देखो इस तरह से एरो दिए हैं, 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट कौन सा है, यह पैटर्न। अल्टरनेट वही चीज फिर से ड्रॉ की हुई है, तो ये हो गया आपका पैटर्न्स। शान इज मेकिंग अ रंगोली, हेल्प हिम कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न मीन्स क्या होता है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था बॉल, यहाँ पे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, फिर है रिट्रायंगल, नेक्स्ट है स्क्वायर, फिर है रिट्रायंगल, नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, रिट्रायंगल। इस तरह से ये क्या हो गया, पैटर्न्स। क्या हो गया ये, पैटर्न्स। अभी आपके बुक में पेज नंबर 60 क्या है, शान इज मेकिंग अ रंगोली, हेल्प हिम कंप्लीट द पैटर्न्स। शान इज मेकिंग अ रंगोली, शान ने क्या बनाई है यहाँ पे, रंगोली। हेल्प हिम कंप्लीट द पैटर्न्स, तो हमें क्या करना है, आगे का पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, ट्रायंगल, क्या दिया हुआ है आपके इसमें, देखो ट्रायंगल। नेक्स्ट कौन सा शेप है, ट्रायंगल ही है, लेकिन देखो किस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद फिर से ये आएगा नंबर 1 का, कहां पे आएगा, 3 नंबर पे, अभी ये यहां पे आएगा, क्या हो गया ये, पैटर्न्स। 1, 2, 3, 4 आपके बुक में इस तरह से दिया है। अभी 1 नंबर पे जो है वो कहां आ गया है, 3 नंबर पे, 2 नंबर का कहां आ गया है, 4 नंबर पे। अल्टरनेट अब क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे फिर से क्या आएगा, ये वाला ट्रायंगल है ना, तो हमें आगे का यही कंप्लीट करना है, यही पैटर्न्स हमें कंप्लीट करना है। अभी फर्स्ट ट्रायंगल में कौन सा कलर दिया है, फर्स्ट ट्रायंगल में रेड। अभी यहाँ पे कलर नहीं है ना मेरे पास अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख के दे रही हूँ आपको, कौन सा कलर दिया है, रेड। नेक्स्ट है ग्रीन, जी आर डबल ई आर, फर्स्ट ट्रायंगल को रेड कलर किया हुआ है आपके बुक में, देखो पेज नंबर 60। फर्स्ट ट्रायंगल को क्या किया है, रेड कलर, सेकंड को क्या है, ग्रीन कलर। तो अभी जो पैटर्न्स फर्स्ट वाला फिर से यहाँ पे आया है ना, फर्स्ट इसके अल्टरनेट ये आया है ना, 1 by 1, 1 के बाद में 2 अलग से आ गया, फिर 3 नंबर पे आया है ना, तो इसको कौन सा कलर आएगा फिर, ये जो सेम है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, तो इसको कौन सा कलर आएगा फिर, रेड। नेक्स्ट ये वाला यहाँ पे आया है तो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन। तो आपको ये बुक में ऑलरेडी दिया है कलरिंग करके, देखो शान इज मेकिंग अ रंगोली, यहाँ तक शान ने रंगोली बना दी है, इसको कलर किया है, आपके बुक में है रेड और ग्रीन, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे शेप्स दिया है, लेकिन आपको उसको कंप्लीट करना है, पैटर्न को कलर करना है। तो अभी नेक्स्ट कौन सा है, देखो इसके आगे यस, इसके बाद कौन सा है, अभी मेरे पास क्रेयॉन्स नहीं है, कलर नहीं है, तो फर्स्ट इसमें रेड ग्रीन, रेड ग्रीन सेम शेप है, कौन सा वाला शेप है, ये सेम शेप है। फिर कौन सा कलर आएगा अभी यहाँ पे, देखो रेड,
कौन सा कलर करना है आपको यहाँ पे, रेड कलर करना है। मैं आपको यहाँ पे स्पेलिंग दिख रही हूँ कलर का, ये कलर आपको क्रेयॉन से इस ट्रायंगल को रेड कलर करना है। कौन सा कलर? रेड कलर। अभी रेड के बाद कौन सा है? रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड, उसके बाद कौन सा आएगा फिर? ग्रीन। कौन सा कलर आएगा? ग्रीन। रेड, अब कौन सा कलर आएगा रेड के बाद? ग्रीन। आपको यहाँ पे ग्रीन कलर करना है, ओके? फिर ग्रीन के बाद में रेड, टू कलर में ही दिए ना ट्रायंगल, फिर है ग्रीन। देखो रेड रेड अल्टरनेट आया हुआ है, देखो ये रेड हो गया यहाँ पे, इसके बाद में ये रेड और फिर रेड, रेड। सेम ऐसे ग्रीन ग्रीन। तो ये हो गया आपका पैटर्न। आपको ये कंप्लीट कौन सा करना है? ये वाला करना है आपको। मैंने आपको स्पेलिंग दिए हैं, आपको ये क्रेयॉन से कलर करना है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या है? सर्कल दिए हैं। क्या है? सर्कल। सेम है सर्कल, लेकिन इसमें कलर दिए हुए है ना। देखो कौन सा कलर है इसमें? ब्लू। कौन सा कलर दिया है? ब्लू। फिर है इसमें येलो, वाई डबल एल ओ डब्ल्यू। देखो आपके इसमें कलर दिए हैं। अब कलर मेरे पास नहीं है, क्रेयॉन्स नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख के दिए। आपके इसमें कलर है। नेक्स्ट अभी ब्लू येलो, इसके बाद कौन सा कलर आएगा यहाँ पे इस पैटर्न में? कौन सा कलर आएगा? ब्लू। आपकी बुक में दिया है ना। अभी देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको हाफ सर्कल किया है इसमें और इसमें है येलो, आपको इसमें येलो कलर ऑलरेडी दिया है ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इसमें जो हाफ बाकी है उसमें क्या करना है? आपको ब्लू कलर देना है यहाँ पे। आपको यहाँ पे ब्लू कलर देना है, ये वाला कलर देना है ब्लू कलर हाफ सर्कल में। अभी यहाँ पे ब्लू आ गया। अभी देखो फिर से यहाँ पे एक सर्कल है, ये आपको कंप्लीट करना है ना, तो अभी ये कौन सा आएगा? ये कौन सा आएगा यहाँ पे? ब्लू कलर देना है। उसके बाद सर्कल है और कौन सा कलर देना है? येलो, येलो कलर। फिर अब इसके बाद में और सर्कल है, उसको कौन सा करना है? ब्लू कलर। देखो ब्लू येलो ब्लू। अभी आपको यहाँ पे सेम ऐसी क्यों किया? क्योंकि ये पैटर्न यहां तक हुआ है ना, ये पैटर्न यहां तक हो गया है ब्लू येलो ब्लू, फिर हो गया येलो। अभी ब्लू ब्लू येलो ब्लू कलर करना है आपको। हाँ आप लोगों को समझ में आया है? फिर है, फिर से ट्रायंगल है। देखो फिर से अभी ये इस तरह से दिया है ना, सेम इसी तरह से, लेकिन ये ट्रायंगल इस तरह से है अभी। इसके बाद में ये, अब इसके बाद कौन सा आएगा? सेम फर्स्ट वाला है ना। यस, अभी ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिए है। इसमें है रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ये आपकी बुक में दिया है। अभी यहाँ पे कौन सा शेप्स आएगा यहाँ पे? देखो ये होने के बाद में फर्स्ट वाला है ना, ये आपकी बुक में आप पेज नंबर 60 पे, ये पेज नंबर 60 पे ये दिया है ऑलरेडी आपको।
सिर्फ आपको उसमें क्या करना है, कलर करना है। तो अभी देखो ये क्या हो गया, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। फिर अब कौन सा कलर आएगा इसमें, कौन सा शेप है ये देखो, सेम है ना, ये हो गया रेड। फिर यहाँ पे इस शेप सेम है तो कलर कौन सा आएगा यहाँ पे, रेड। यहाँ आपको रेड कलर करना है इस ट्रायंगल में, हाँ रेड कलर। ये वाला कौन सा शेप है देखो, ये ऊपर से ग्रीन, ये वाला आ गया यहाँ पे सेप, सेप तो ग्रीन कलर, इसको करना है आपको ग्रीन। फिर उसके बाद में रेड, और लास्ट में आपको करना है ग्रीन कलर करना है। ये आपका है पेज नंबर 60, ये पैटर्न्स आपको कंप्लीट करना है। किस तरह से करना है आप लोगों को समझ में आया? देखो आपकी बुक में ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स को कलर किया है, सिर्फ आपको आगे का कंप्लीट करना है, ये पैटर्न कंप्लीट करना है। आप लोगों को समझ में आया ये? ये यहां से इधर आपको करना है। अभी क्या है नेक्स्ट, ड्रॉ द नेक्स्ट फोर टू कंप्लीट इट पैटर्न्स। देखो क्या दिया है अभी यहाँ पे, इसी तरह से कुछ और पैटर्न्स दिया है। नेक्स्ट के नंबर के, ड्रॉ द नेक्स्ट फोर टू कंप्लीट इच पैटर्न। देखो अभी और फोर दिए है, कुछ स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, इस तरह से दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है। अभी ये हो गया, ये पैटर्न फर्स्ट पैटर्न कैसे था आपका, कलरिंग का था, है ना। अभी देखो ये क्या करना है, फर्स्ट है यहाँ पे स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से पैटर्न है। अभी ये है देखो, पैटर्न सेम है, सिर्फ उसका शेप चेंज हो गया है ना। देखो अभी यहाँ पे स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, देखो किस तरह से this way answer will be 27. Now next example, 27 minus 90. आया आप लोगों के समझ में? नेक्स्ट है देखो, अब ये अलग से पैटर्न आ गया ना। देखो क्या है, सर्कल और स्लिपिंग लाइन दिया है, फिर है सर्कल,
ये आपकी बुक में ऑलरेडी यहाँ तक दिया है। अब क्या करना है आपको, 1, 2, 3, 4 ये आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो देखो सर्कल है, स्लीपिंग लाइन, सर्कल स्लीपिंग लाइन, सर्कल तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पैटर्न आएगा। फिर क्या आएगा इसके बाद में, क्या है सर्कल, फिर क्या है स्लीपिंग लाइन, नेक्स्ट है सर्कल, ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। रिक्ट ट्रायंगल, अभी क्या दिया है आपको, रिक्ट ट्रायंगल, फिर है स्टैंडिंग लाइन, रिक्ट ट्रायंगल, स्टैंडिंग लाइन, ये आपकी बुक में यहां तक दिया है ना ये। अब आगे आपको क्या करना है, क्या आएगा इसके बाद में, यहाँ पे रिक्ट ट्रायंगल, फिर आएगा स्टैंडिंग लाइन, फिर से रिक्ट ट्रायंगल, इसी तरह से ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है सर्कल और सन, क्या है सर्कल और सन, अब इसके बाद फिर से क्या आएगा सर्कल, फिर उसके बाद सन, ये आपकी बुक में आपको ऑलरेडी दिया है ना। अब इसके आगे आपको इस सन के बाद क्या है, सर्कल है, फिर है सन, फिर से सर्कल, फिर से सन, ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, स्माइल फेस, क्या है नेक्स्ट, स्माइल फेस है, क्या आ रहा है इसमें नेक्स्ट, स्माइल फेस, फिर उसके बाद में देखो सैड, ये है हैप्पी, फिर है सैड, अभी आपको ये कंप्लीट करना है। क्या आएगा यहाँ पे सैड के बाद में, कौन सा फेस आएगा, स्माइल फेस, नेक्स्ट सैड, फिर हैप्पी फेस, और ये आएगा सैड, ये आपको बुक में कंप्लीट करना है। पेज नंबर 60 ये पैटर्न्स आपको कंप्लीट करना है। यस मैम, ये आपको कंप्लीट करना है। आपको कौन सा पेज कंप्लीट करना है, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60, ये पैटर्न्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। आप लोगों को समझ में आया ये पैटर्न्स, आप लोगों को समझ में आया, देखो ये है पैटर्न्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया। टुडेज होमवर्क पेज नंबर 60 ये आपको कंप्लीट करना है। अभी ये पीरियड हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, हमारा पीरियड का टाइम खत्म हो गया, इसलिए अभी ये पेज नंबर 60, 61 हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ये पेज नंबर आपको होमवर्क है, टुडेज होमवर्क पेज नंबर 60, ये पैटर्न्स आपको बुक में कंप्लीट करना है। ओके, आप लोगों को समझ में आया पैटर्न्स किस तरह से करना है। वन चीज वन बाय वन अल्टरनेट जो होता है उससे हमने इसमें देखो इसमें पिक्चर्स में दिया है तो उसको क्या कहते हैं पैटर्न्स। इस तरह से आपकी बुक में आपको ये कंप्लीट करना है। ये पीरियड हमारा यहीं पे खत्म होता है मैथ्स का। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।